आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ नया कोर्स एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिसमें आपको 2016-19 एंड ऑफिस 365 की चीजें हम बताएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले हम कुछ कल की क्लास में हमने कुछ थ्योरी पार्ट ली थी, लेकिन आज हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, कुछ छोटे छोटे चीजें बताते हैं फाइल मेनू बार से। जैसे कि फाइल मेनू बार पे जाते हैं, आप न्यू पे क्लिक करते हैं, राइट? तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, या फिर कंट्रोल एट करके आप ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हेल्प होते हैं, जैसे वेलकम एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पिवट ट्यूटोरियल, ऐसे ट्यूटोरियल्स होते हैं जो कि आपको सीखने में मदद करते हैं। दूसरा, यहाँ आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, और टेम्पलेट्स अलग अलग कैटेगरी का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, बिजनेस रिलेटेड पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो टेम्पलेट्स होता क्या है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बने बनाए कुछ सैंपल्स रिपोर्ट्स आपको दिए हैं, राइट? जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे बॉस ने बोला कि सुजीत एक इनवाइस बना दो, राइट? अब मेरे पास ना टाइम है ना मैंने कभी इनवाइस को देखा है कि इनवाइस कैसा होता है। मान लीजिए, ऐसे तो देखा हूं लेकिन मान लीजिए, तो आप जस्ट आप इसमें जाके सर्च करें बिल। मैंने जैसे ही सर्च किया बिल, यहां पे इनवाइस के फॉर्मेट्स आ गए। आगे सर, अब मैं देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट को कौन सा फुलफिल कर रहा है। जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है उसको क्लिक करूंगा और डाउनलोड करूंगा। क्लियर है सर? अब इसमें हम जी लोगो चेंज कर देंगे, नाम वगैरह चेंज कर देंगे, डिटेल चेंज कर देंगे, मेरे अपने अकॉर्डिंग बन जाएगा। इसी तरीके से, हेलो, जी इसी तरीके से आप न्यू के अंदर में और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स है जिसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिस लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक्रोमेटिक कैलेंडर है या सीजनल कैलेंडर है, आप लोग अपने मीटिंग वगैरह के लिए आप इस कैलेंडर के इस्तेमाल कर सकते हो। इसका यूज हम लोग, मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर था तो मीटिंग रूम मैनेज करता था। मैं ट्रेनिंग रूम जो होते थे ना कंपनी के पास, 5-7 मीटिंग जी होती थी, तो उस मीटिंग रूम को मैं मैनेज करता था। तो किसी को अगर मान लीजिए कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है किसी भी टीम को, क्योंकि तो हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे टीम होते थे, तो मुझे बोलते थे, तो मैं इसी तरह का टेम्पलेट डाउनलोड, मैंने बनाया नहीं था, मैं टेम्पलेट डाउनलोड किया था, ठीक है? जी मंथ चेंज करेंगे तो उस मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर 2020 तक पूरे साल का है इसमें। तो किसी ने बोला कि मुझे सितंबर चल रहा है, मान लीजिए किसी ने बोला कि सितंबर का मुझे 15 सितंबर की बुक कर दो, तो मैं 15 सितंबर यहाँ पे लिख दिया कि बुक फॉर मनीष, टू 5, राइट सर? तो आप इसका सर कोई किसी रिमाइंडर वगैरह भी आता है क्या? अगर क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मतलब 15 सितंबर को इसका कोई रिमाइंडर जनरेट हो जाए। हाँ वो भी होगा, वो तो हम आगे करेंगे, बस अंदर रिमाइंडर भी जनरेट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कर सकते हैं, तो जी इजीली इस पे मैनेज कर सकते हैं ना सर। तो कहने मतलब कि आपको कुछ करने की जी जरूरत नहीं पड़ी सर, बना बनाया सब कुछ मिल गया क्या सर? जी टेम्पलेट इसी चीज के लिए होते हैं। तो आप एक बार टेम्पलेट में, अब टेम्पलेट एक तो आपको अपने जरूरत को फुलफिल करता है, उसके बाद अगर आप लर्नर है तो भी आपको ये टेम्पलेट काफी ज्यादा फुलफिल बेनिफिट होता है।
हेलो हेलो, सॉरी सर, म्यूट हो गया था। अगर आप जी जी लर्नर हैं तो लर्नर के लिए ये आपका जी बताएगा कि आखिर में किस किस तरह के रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, किस तरह का फॉर्मेट होता है। जैसे प्रोजेक्ट टाइमलाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ओपन किया। क्या सर, जी आपका डेटा हम डालते जा रहे हैं, उसके भी आपके हमारे चार्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने और जब आप अपने ऑफिशियल लाइफ में जब आपको इस तरह की कुछ बनाना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह की चीजें एक्सेल पे हो सकती है, आप इजीली बना लेंगे। तो इसके लिए आपको स्कैन करना है। ऐसे भी मेरी जो सोच है वो कहती है कि जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन सीखने जा रहे हो, चाहे वो एक्सेल हो, एक्सेस हो, टैबलू हो, पावर बीआई हो, कोई भी टाइप लेना चाहते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ बने बनाए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिसको हम टेम्पलेट कह सकते हैं, ठीक है सौरभ जी। तो जी उस टेम्पलेट्स को जो है आप स्टडी करके, ठीक है, और आप जी लर्निंग में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड सैंपल डेटा वगैरह लेके आप लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सोच कहती है, ठीक है। जी तो टेम्पलेट्स को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अब बात आती है, क्या हम खुद से भी टेम्पलेट बना सकते हैं? अब टेम्पलेट बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, चलिए इसके बारे में हम आज जानते हैं। आप ऑफिस में जी जाते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, तो रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं सौरभ जी? रिपोर्ट का हेडिंग, रिपोर्ट का डाटा, सबसे पहले आप जो प्रीवियस रिपोर्ट, कल जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसको ओपन करते होंगे, फिर उसको सेव एज करते होंगे, फिर कल की रिपोर्ट रिपोर्ट के डेटा को खाली करते होंगे, तो आज की डेटा डालते होंगे, यही करते हैं ना। तो हाँ बिल्कुल ठीक। आपको हर दिन फाइल को ओपन करना, सेव एज करना, और फिर उसमें नया डेटा डालना पड़ता है, राइट। जी अब मेरे साथ, मैं भी ऐसे ही करता बिल्कुल। था। तो मेरे साथ एक घटना हुआ था। अच्छा क्या क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए हमारा बॉस जी टीम पे चले गए थे, तो हमारे बॉस की जगह पे कोई और टीम के बॉस ने हैंडल लिया था, चार्ज ओवर लिया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने जी रिपोर्ट्स में तीन चीजें नहीं चाहिए, हटा दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं वहां से हटा दिया और मैं उनको भेज दिया, राइट जी सर। अब क्या हुआ, जी अब मैं हर दिन किस प्रीवियस रिपोर्ट को सेव एज करता था, और अगले दिन मैंने सेव एज किया तो तीन ऑलरेडी हटे हुए थे। ट्यूजडे, हाँ अगले दिन ट्यूजडे, अगले दिन 10 या 15 दिन बाद हाँ हमारे बॉस वापस आए, तो उनको भी हम तीन कॉलम हटा हुआ रिपोर्ट ही भेजने लगे। बॉस ने भी ध्यान नहीं दिया। सडनली जी 15 दिन बाद बोला है, सुजीत आपके रिपोर्ट्स में तीन इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? पंद्रह दस जी बीस दिन हो चुके हैं, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि मैं प्रीवियस रिपोर्ट ओपन करने लगा, देख रहा हूँ कंटिन्यू सारे रिपोर्ट्स में तीनों कॉलम हटा हुआ है, मैं शॉक लग गया है, कैसे हट गया। फिर अचानक याद आया जी कि बॉस ने बोला था हटाने के, मैंने बॉस को बोला, बॉस इन्होंने बोला था हटाने के, तो बोलो उन्हें बोले उसने बोला था हटाने के, तो उसकी रिपोर्ट में हटाते, तुमने मेरी रिपोर्ट में क्यों हटाया? तब मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि सर ऐसे ऐसी बात है। तो सब पूरा स्टाफ ऐसे ही करता है, हमने हाँ उसका सोल्यूशन निकाला। तो मैंने बोला, निकाला सोल्यूशन कि सर रिपोर्ट की टेम्पलेट बन जाए, और जब भी हम ओपन करें मुझे ब्लैंक रिपोर्ट निकाल के दे, मुझे सेव एज करके देखकर क्लीन विलीन करने की जरूरत ही ना हो। अगर मैं कोई चेंज नहीं बिल्कुल करता उसी दिन की रिपोर्ट में चेंज होगा, अगले दिन हम उस रिपोर्ट को सेव एज करेंगे नहीं, हम वापस टेम्पलेट को ओपन करेंगे। बहुत अच्छा तो टेम्पलेट कैसे करें बना, चलिए एक छोटा सा टेम्पलेट बनाता हूं। मान लीजिए कैश रिसिप्ट का मैं टेम्पलेट बनाता हूं, जी चेक का
अच्छा बड़ा करता हूँ एक्सरसाइज को। चलूंगा डेट डेट है ऊपर और डेट यहाँ भी देता हूँ पार्टिकुलर पर्सन डीआर सीआर एंड बैलेंस और फिर इसको नीचे तक हम आते हैं हम बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे टोटल लगा देते हैं बोल रखते हैं और टोटल टेम्पलेट में आप फॉर्मूले भी लगा के सेव कर सकते हैं क्या कुछ भी कर सकते हो जैसे मैंने टेम्पलेट आपका फाइल होता है टेम्पलेट थोड़ी अलग होता है आप जैसे रिपोर्ट फाइल बनाते हो ना ऐसे रिपोर्ट आपका होता है उसपे सब चीज वीबीए वीए सब लगा सकते हैं ठीक है और फिर यहाँ पे मैं ठीक है अब इस फाइल को मैं सेव एज करूंगा आपको सर एक्सेल 2019 चल रहा है क्या मैं ऑफिस 365 ₹420 मंथली है इसका सर चार्जेस हाँ ऑनलाइन होता है पूरा इसमें क्या क्वालिटी सर इसका बेनिफिट है कि आपको लेटेस्ट एक्सेल मिलेगा और इसको आप ऑनलाइन ऑनलाइन शेयर ड्राइव वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मान लीजिए कि आप आपकी फाइल आपके सिस्टम पे नहीं रहेगी इसको आप वन ड्राइव मिल जाएगा उसको रखिए जब भी ओपन करना आप कीजिए किसी भी सिस्टम पे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं मान लीजिए कि आपको मोबाइल पे यूज करना है तो इसको मोबाइल पे यूज कर सकते हैं किसी के पीसी में यूज करना है लेकिन चाहते हो कि आपकी फाइल्स वगैरह अच्छा मतलब एक तरह से ये आपको ये एक्सेल ऑनलाइन चलेगा हाँ आपके सिस्टम में एक्सेल है या नहीं उससे मतलब नहीं इसका वेब वर्जन मिल जाएगा आपको अच्छा बहुत सारे फीचर है जी तो जैसे एक्सेल का कोई नया वर्जन आता है अपने आप अपडेट हो जाता है अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ नहीं करना सेव सेव जो कर आपको यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट ले एक्सेल टेम्पलेट अब इसमें माइक्रो लगा हुआ है अब इसमें मुझे मेरे पास ये नहीं लगा हुआ है टेम्पलेट में वीवीए नहीं लगा हुआ अगर क्या लगा हुआ है इस फाइल में वीवीए नहीं है अगर वीवीए होता तो मैं माइक्रो अनेबल टेम्पलेट करता बट वीवीए नहीं है तो हमने सिंपल इसको हम कैश के नाम से सेव कर देते अब इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ अब देखिए सबसे पहले जो कैश के नाम से फाइल हुआ उसका आइकन चेंज हो गया और जब भी मैं इस पर डबल क्लिक ओपन करूंगा जैसे बुक ओपन करते हैं तो बुक वन होता है ऐसे आपका एक कैश वन हो जाएगा अच्छा
ठीक है। कैश वन कैश वन हो गया ना, अब इसमें कुछ भी आप चेंज, आप वो ब्लैंक जी था, जी अब कुछ भी चेंज करके जैसे ही आप सेव करोगे जी वो सेव एज हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ओरिजिनल फाइल को चेंज करने की चेंज होगा ही नहीं होगा, हमेशा आपको ब्लैंक डेटा ही खोल के देगा। जैसे आपको ब्लैंक वर्कबुक आता है ना, बुक वन बुक टू थ्री, ऐसे कैश वन कैश टू कैश थ्री ऐसे करेंगे खोल। तब ये कैश टू ओपन करेगा। हाँ हमेशा। ठीक है सर, अभी जो फाइल जनरेट करेगा कैश टू के नाम से। ठीक जैसे क्या, हाँ क्या, जैसे फर्स्ट टाइम खुला कैश वन, दोबारा ओपन कर दीजिए कैश टू, कैश थ्री, ऐसे हो जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, ए कैश वन ही है ना, क्योंकि तो फर्स्ट टाइम ओपन हुआ, मैं दोबारा ओपन कर दूँ ना, आप कैश टू हो जाएगा। कैश टू हो गया, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक मतलब है सर, टेम्पलेट मीन्स एक तरह से, टेम्पलेट मीन्स एक तरह से प्री सेव्ड फॉर्मेट है जी। हाँ प्री फॉर्मेट हो गया, आप अपने रिपोर्ट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जी प्रॉब्लम बताया कि कब इस्तेमाल ठीक करते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए ना कि जी आपके पास, मान लीजिए कि आप पूरे दिन में 5 रिपोर्ट बनाते हैं, तो 5 टेम्पलेट बना लिया, आपका वीकली रिपोर्ट एक जाता है, तो वीकली टेम्पलेट हो गया, मंथली एक जाता है, क्वार्टरली एक जाता है, सबका टेम्पलेट बना जी के फोल्डर में रख लोगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि आज डेली रिपोर्ट 5 भेजने हैं, मंथली रिपोर्ट आज का 1 तारीख है तो मंथली रिपोर्ट भेजना है, क्वार्टर क्या जी क्वार्टर तो क्वार्टरली रिपोर्ट भेजना है, वीक मंडे है तो ये आपको एक वीक भेजना है, और आपके जगह पे कोई और काम किया तो उसको भी ये चीज पता रहेगी। जी ठीक है, तो ठीक है कल सर। मिलते हैं।